मारियोपोल में भारी गोलाबारी इस वक्त हो रही है। रूस की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव शहर में भी लगातार बमबारी जारी। एक तरफ जहां दुनिया भर के देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, वहीं रूस है कि यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने के लिए अलग अलग शहरों को टारगेट कर रहा है। बीते एक दिन में रूसी सेना यूक्रेन के खार्किव इलाके में करीब 50 बार हमला कर चुकी है। इससे पहले कि अपने घरों में बैठे नागरिक समझ पाते कि उनके साथ क्या हुआ है, उनका घर तबाह हो चुका था। यूक्रेन का शहर मारियोपोल तो खंडहर में तब्दील हो गया है। अब तक हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और न जाने कितने लोगों ने अपनी जान खो दी है। शहर में लगातार बचाव कार्य चल रहा है। कुछ ऐसे ही हालात चेर्निहिव के हैं, जहां रूसी सेनाओं ने एक चर्च को जमींदोज कर दिया है और चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। दोनेस्क और क्रामातोस्क में जो मिसाइल हमला हुआ, उससे अब भी लोग उबर नहीं पा रहे। रेलवे स्टेशन पर उस समय जो लोग मौजूद थे, वो उस डरावने पल को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।